हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल द सीक्रेट ऑफ इन्वेस्टिंग में। आज के दिन दोस्तों मार्केट में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिला, लेकिन अगर आप लोग ये चीज़ नोटिस करेंगे कि पिछले एक साल में मार्केट ने काफ़ी अच्छा खासा रिवॉर्ड हम लोगों को कर कर करके दिखाया है। ऐसे में सारे ही स्टॉक्स आपको हायर वैल्यूएशन पर ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं और सब में कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिस्क आपको देखने को मिलेगा ही कि यहाँ से अगर थोड़ा बहुत करेक्शन आता है तो वो स्टॉक्स भी आपको अच्छे खासे करेक्ट होते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग तीन ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कशन करेंगे जिनमें अगर आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट करी तो डेफिनेटली ना ही केवल शॉर्ट टर्म में काफ़ी अच्छी खासी वेल्थ बनेगी बल्कि लॉन्ग टर्म में भी आप लोग इनके जरिए अच्छी खासी वेल्थ बना सकते हैं। बिना टाइम वेस्ट करते हुए जानते हैं कौन से वो तीन स्टॉक। दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार आए तो जरूर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि लगातार मेरी यही कोशिश रहती है कि आपको ऐसे क्वालिटी स्टॉक्स बताए जाए जिनमें अगर आप लोग ने इन्वेस्टमेंट करी तो बहुत बढ़िया वेल्थ आपकी लॉन्ग टर्म में बन सकती है। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले स्टॉक का नाम है, आप लोगों को देखने को मिलेगा, गुजरात गैस लिमिटेड। बहुत ही बेहतरीन कंपनी आपको देखने को मिलेगी। मार्केट कैप पे नज़र डालें 43,926 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप आपको देखने को मिलेगा। वहीं पे डेप्थ मात्र 977 करोड़ का है। अब आप में से बहुत लोग कह रहे होंगे मात्र आप लोग क्यों लगा रहे हैं 977 करोड़ पे, क्योंकि कंपनी के अगर आप लोग रिजर्व चेक करेंगे तो 4,374 करोड़ के आसपास के कंपनी के पास रिजर्व ऑलरेडी हैं, तो कंपनी चाहे तो आज के आज ही पूरा का पूरा डेप्थ पे कर सकती है। दूसरी चीज़, कंपनी लगातार अपना जो रिजर्व है वो बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है। देख सकते हैं 2015 में 1870, उसके बाद थोड़ा सा कम आपको देखने को मिला, लेकिन उसके बाद लगातार कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अपने रिजर्व को बढ़ाया है और डेप्थ को भी रिड्यूस किया है, तो ये एक और पॉजिटिव इंडिकेशन है कंपनी का। कंपनी की अगर प्रॉफिट ग्रोथ की बात की जाए 43% के CAGR से पिछले 5 सालों से लगातार कंपनी प्रॉफिट में ग्रोथ दिखा रही है। पिछले 3 साल से आप लोग देख सकते हैं 63% के CAGR से ग्रोथ दिखा रही है और ट्रेडिंग 12 मंथ में भी 66% के CAGR पे आपको काफ़ी अच्छी खासी प्रॉफिट देखने को मिला। अगर हम लोग स्टॉक की बात करें तो पिछले 5 सालों से लगातार 39% के CAGR से अपने इन्वेस्टर को रिटर्न डिलीवर करके आ रही है, तो मतलब काफ़ी अच्छी कंपनी आपको देखने को मिलेगी। अगर हम लोग बात करें पिछले 1 साल के रिटर्न की तो मात्र 107% के हैं, क्योंकि कंपनी ने काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करके दिखाया है। और कंपनी का अगर हम लोग PE चेक करें तो अभी आपको मात्र 25 रुपये के आसपास 25 के PE पे कामकाज करती हुई दिखाई देगी। वहीं पर अगर हम लोग इसके बाकी सेक्टर के स्टॉक्स चेक करें, उनका PE अगर आप लोग देखेंगे, वहीं पर इंडियन एनर्जी 74 के PE पे है, कैम सर्विस आप लोग देखने को मिलेगा 65 के PE पे है, CDSL 61 के PE पे है, FL इंडिया 82 के PE पे है। आप लोग देख सकते हैं काफ़ी हायर वैल्यूएशन पे बाकी दूसरे स्टॉक हैं इसी सेक्टर के, लेकिन अभी ये स्टॉक मात्र 25 के PE पे है, तो काफ़ी ज़्यादा लोअर वैल्यूएशन पे ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई भी रेड सिग्नल आपको कंपनी पे देखने को नहीं मिलेगा। वहीं अगर हम लोग बात करें अगर दूसरे स्टॉक की, दूसरे स्टॉक का नाम है दीपक नाइट्राइट लिमिटेड। पता है सबको, बहुत से इन्वेस्टरों के पास होगा, बहुत से आप लोगों में जो देख रहे हैं वीडियो उनके पास होगा, तो बहुत ही अच्छा स्टॉक है। शॉर्ट टर्म में भी इस स्टॉक में लगातार तेजी आती हुई दिखाई दे रही है और आने वाले टाइम में वो तेजी बरकरार रहने वाली है। और लॉन्ग टर्म के लिए तो आपको पता ही है, मैंने कई बार इस स्टॉक को अपने वीडियो में बताने की कोशिश करी है, इसके बिजनेस के बारे में बताया है और इस स्टॉक को लगातार मैं बताते ही रहता हूँ कि आप लोगों को जरूर अपने पोर्टफोलियो में रख के चलना चाहिए। सस्ते वैल्यूएशन पे कैसे ट्रेड हो रहा है आपको बताना चाहूँगा। कोई भी रेड सिग्नल नहीं है कंपनी में, आप लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। दूसरी चीज़, कंपनी जो केमिकल सेक्टर से बिलोंग करती है उसमें सारे स्टॉक बहुत ही ज़्यादा हायर वैल्यूएशन पे हैं, जैसे कि पिडिलाइट 90 के PE पे है, SRF 44 के PE पे है, आरती इंडस्ट्री 53 के PE पे है, क्लीन साइंसेस 103 के PE पे, तो मतलब कि आप लोग देख सकते हैं कितने हायर वैल्यूएशन पे। वहीं पे दीपक नाइट्रेट मात्र 33 के PE पे है, तो काफ़ी ज़्यादा अभी अंडर वैल्यूड आपको देखने को मिलेगा। अभी बहुत तेजी से स्टॉक में बाकी है, शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में, तो ये स्टॉक आपको पता ही है इसके टारगेट कोई अचीव नहीं कर पाएगा, क्योंकि अभी ये स्टॉक आपको केवल 2,500 का देखने को मिल रहा है। आने वाले कुछ सालों में ये स्टॉक 10,000, 20,000, 50,000 का भी हो जाएगा और ये केवल कहने की बात नहीं है, आप लोग देखिएगा आने वाले 10-15 सालों में ये स्टॉक करके दिखा सकता है ऐसा। अगर हम लोग बात करें अपने तीसरे और आखिरी स्टॉक की, उसका नाम है IUL केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल। केमिकल मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनी और फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड कंपनी आपको देखने को मिलेगी। हालांकि अभी कंपनी बहुत छोटी है, 3,346 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, कंपनी में मात्र 3 करोड़ का डेप्थ है, एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कंपनी डेप्थ फ्री है। वहीं पे कंपनी का ROCE चेक करिए 54.3 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 43.1 की है, तो गजब किया कंपनी पैसा अच्छा खासा यूज़ करती है
इस वजह से कंपनी में काफ़ी अच्छी खासी दम भी आपको देखने को मिलेगी। कोई भी कंपनी में रेड सिग्नल आपको देखने को नहीं मिलेगा, मतलब कि कंपनी खरीदने के लायक है। कंपनी का हाई आप लोग चेक कर सकते हैं, 848 रुपीज़ के आसपास का है। और कंपनी का प्राइस आप लोग स्टॉक का प्राइस देख सकते हैं, 570 के आसपास ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ से अगर ये स्टॉक चला तो आप लोगों को अपने ऑल टाइम हाई पे आने के लिए ही दुगना, लगभग दुगना आपको देखने को मिल सकता है। तो इस स्टॉक को जरूर अपने नज़र में रखिए, मौका मिले तो इसमें खरीदारी करिए। काफ़ी ज़्यादा लोअर वैल्यूएशन पे ट्रेड हो रहा है, मात्र 8 का पीई है। वहीं पे इसके अदर जो स्टॉक्स हैं फार्मास्यूटिकल के, आप लोग देख सकते हैं कितनी ज़्यादा हायर वैल्यूएशन पे ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर गिरावट आई भी तो इन तीनों स्टॉक्स में थोड़ी सी कम गिरावट आपको देखने को मिलेगी बाकी अदर स्टॉक्स से। तो इन स्टॉक्स में आप लोगों को खरीदारी करके रखनी चाहिए, क्योंकि कुछ समय में आपको ये स्टॉक्स चलते हुए दिखाई दे सकते हैं। पिछले 10 सालों से लगातार 53% के CAGR से कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है प्रॉफिट में। वहीं आप लोग देखेंगे 5 साल से 67% के CAGR से, पिछले 3 सालों से 151% के CAGR से ग्रोथ दिखाई है। कंपनी के स्टॉक ने भी काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न डिलीवर करके दिया है पिछले कई सालों से। हालांकि इस साल आपको थोड़ा सा अच्छा खासा रिटर्न नहीं देखने को मिला, लेकिन बहुत ही जल्द इस स्टॉक में भी आपको गजब की तेजी देखने को मिलेगी। वीडियो में मैंने तीनों स्टॉक्स ऐसे ही बताए हैं जिनमें अगर आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट करी और कुछ समय में मार्केट में थोड़ा बहुत करेक्शन आया, तो ये तीनों स्टॉक्स थोड़ा सा बाकियों कंपैरिजन में कम गिरेंगे। तो इन स्टॉक्स में अगर आप लोग चाहें तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने एनालिस्ट से राय एक बार जरूर ले लीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में कुछ ऐसे स्टॉक्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।